हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आप लोगों की डिमांड पे फाइनली आज मैं शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ अनियन शैम्पू एंड वाव रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर शैम्पू के बीच में कंपैरिजन, क्योंकि आप लोग ही काफी कंफ्यूज हो रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा शैम्पू हमें परचेज करना चाहिए। एज ऑलरेडी इनका डिटेल रिव्यू वीडियो मैं अपने चैनल पे सेपरेटली पोस्ट कर चुकी हूँ। बट होता क्या है ना, जो मामा अर्थ का रिव्यू देख रहे हैं वो वाव का नहीं देखते हैं, जो वाव का देखते हैं वो मामा अर्थ का नहीं देख रहे हैं, तो वो लोग ही कंफ्यूज होते हैं कि दी अब हमने वाव का तो रिव्यू देख लिया, अभी आप हमें बताओ कि क्या वाव का हमें शैम्पू परचेज करना चाहिए। तो बेटर मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन डाल दूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको अच्छे से यूज कर चुकी हूं एंड काफी टाइम हो गया है मुझे इनके डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करे हुए। तो मैंने सोचा चलो मैं एक छोटा सा कंबाइंड एक वीडियो बना देती हूँ जिसके अंदर दोनों का कंपैरिजन कर दूं। तो डिटेल में अगर आपको जानना है इन दोनों शैम्पू के बारे में तो आप मेरी डिटेल वाले वीडियो देख सकते हो, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट में बात करेंगे कि कौन से दोनों शैम्पू में से अच्छा है एंड नहीं है तो क्यों नहीं है। सो यस गाइज, आप मुझे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ यूजफुल लगे आप लोगों के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो यस, चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कोई भी शैम्पू हम परचेज करते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या वो सल्फेट फ्री है या नहीं है। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल देती हूँ, दीज टू आर सल्फेट फ्री। एंड बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो जो वाव अनियन है उसकी प्राइस है 499 रुपीज, जो कि आपको मिलता है 300 ml। एंड मामा अर्थ के शैम्पू की प्राइस है 349, जो कि आपको मिलता है 250 ml। एंड इनकी जो सेल्फ लाइफ है ऑलमोस्ट सेम है, 2 ईयर्स आप इनको यूज कर सकते हो। बाकी बात करते हैं इनके की इंग्रेडिएंट्स की, तो मामा अर्थ के जो की इंग्रेडिएंट है दैट इज अनियन एंड प्लांट कैरेटिन, बट वाव के एज सच कोई भी की इंग्रेडिएंट नहीं लिखे हुए हैं, जस्ट इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ ब्लैक अनियन सीड का जो ऑयल है उसका एक्सट्रैक्ट है। सो कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी मामा अर्थ की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जेल कम क्रीमी टेक्सचर वाला है। एंड आप देख सकते हो अगर आप हाथ पे थोड़ा सा रब करोगे ना तो ये क्रीमी टेक्सचर थोड़ा सा जेल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वाव की जो कंसिस्टेंसी है वो फुल्ली जेल वाली कंसिस्टेंसी है, जो कि मुझे ऐसा लगा कि बालों में जाके ना जेल कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चिपक जाती है, उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। एंड फ्रेगनेंस अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों की फ्रेगनेंस लाइक थोड़ी सी मामा अर्थ की सॉफ्ट वाली फ्रेगनेंस है एंड वाव की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परफ्यूम इन्होंने मिक्स किया हुआ है, दैट्स इट। अभी बात करते हैं कि क्या ये क्लेम करते हैं, तो मामा अर्थ का जो शैम्पू है वो क्लेम करता है कि आपके बालों को अच्छे से क्लीन करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और आपके रूट्स को एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है। जो वाव का शैम्पू है वो भी आपके बालों में एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट बनाता है बालों को और शाइन को रिस्टोर करता है। जो भी बाकी इनके डिटेल है लाइक क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर और भी मिक्स है वो आप डिटेल वीडियो में देख सकते हो। बाकी अभी बात करते हैं कि जो ये क्लेम कर रहे हैं क्या लिटरली ये उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं मामा अर्थ का जो शैम्पू है वो लाइक ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है बालों को। एंड वाव का जो शैम्पू है अनियन ब्लैक सीड ऑयल, ये भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो ये दोनों शैम्पू मैं आपको अगर आपके बाल ड्राई एंड फ्रिजी है तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, बट यस अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो फिर भी आप ये वाव का शैम्पू यूज कर सकते हो। इसमें भी मैं आपका मामा अर्थ का नहीं सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये हेयर फॉल को 1% भी कंट्रोल नहीं करता है किसी भी हद तक। एज जब मैंने वाव का शैम्पू यूज किया था तो मुझे काफी हद तक लगा था कि मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है, क्योंकि जब हम बाथरूम में हेयर वॉश करते हैं तो टाइल्स पे मेरे को एज सच इतने ज्यादा बाल गिरे हुए नहीं मिले थे। बट मामा अर्थ के साथ तो एज सच वो वाली बात भी नहीं थी कि हेयर फॉल को कंट्रोल कर रहा है। बट जो वाव का शैम्पू है गाइज, ये लाइक जब आप हेयर वॉश करते हो तब तो आपको अच्छा लगेगा, बट ये आपके बालों को बिल्कुल क्लीन नहीं करता है। दोनों ही शैम्पू बालों को बिल्कुल क्लीन नहीं करते हैं, बहुत स्टिकी स्टिकी रहते हैं। तो वाव का जो शैम्पू है वो बहुत ज्यादा स्टिकी रहता है, लाइक आपको 2 से 3 बकेट पानी की आपको डालनी पड़ेगी उसको वॉश करने के लिए, शैम्पू को निकालने के लिए। बालों को तो वो साफ करता ही नहीं है, सेम मतलब बालों को क्लीन भी नहीं करता है, बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। अगर आपने हेयर ऑयलिंग की हुई है और उसके बाद अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो दोनों ही शैम्पू से तो भी आपके बाल बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं, एज इट इज स्टिकनेस आपके बालों में रहती है।
सो गाइज एज सच ये कोई हर्बल शैम्पू भी नहीं है, इनके अंदर भी सल्फेट नहीं है बट अदर केमिकल्स काफी है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको ऐसे शैम्पू से हेयर वॉश करना चाहिए डेली पर। गाइज ये जो दोनों शैम्पू है लाइक ये आपके बालों को ना साफ करते हैं, ना आपके बालों के अंदर शाइन लेके आते हैं, ना हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं और ना ही डेंड्रफ वाली प्रॉब्लम है या स्प्लिट एंड्स वाली प्रॉब्लम है उसको रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर हम एक शैम्पू यूज कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो ओवरऑल हमारे बालों की हेल्थ पे काम करे, लाइक ना सिर्फ हमें स्प्लिट एंड्स के लिए अलग शैम्पू लेना पड़े या हेयरफॉल के लिए अलग लेना पड़े। एक प्रॉपर पैकेज हमको चाहिए होता है जब हम हेयर वॉश करते हैं, बट इन दोनों के साथ एज सच बिल्कुल भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो मैं आपको दोनों शैम्पू को नहीं बोलूंगी कि आपको यूज करना है अगर आपके बाल ड्राई एंड फ्रिजी है। तो गाइज आपको बता दूं ये जो शैम्पू है ये हर्बल शैम्पू भी नहीं है, इनके अंदर केमिकल है, दो सल्फेट नहीं है बट अच्छे लेवल में अदर केमिकल्स डाले हुए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि ऐसे शैम्पू आपको यूज करने चाहिए जिनके अंदर भी किसी भी तरह का कोई केमिकल हो। बेटर ऑप्शन यही है कि जो हर्बल शैम्पू, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में यार हर्बल शैम्पू के, उनसे ही आप अपना हेयर वॉश करो क्योंकि बालों को क्लीन भी करते हैं और ऐसा कोई शैम्पू भी नहीं रहता उनमें। बट गाइज जितना ये हमसे पैसा ले रहा है लाइक ऑलमोस्ट 400 के प्रोडक्ट से ये, तो आई डोंट थिंक सो कि उतना वर्क करते हैं। और बहुत ज्यादा इनकी लाइक मार्केट में ना वाओ मामाअर्थ का शैम्पू, वाओ मामाअर्थ का शैम्पू इतना ज्यादा हवा हो रखी है, बट ट्रस्ट मी एज सच लाइक ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अगर आप डिटेल में देखोगे तो आप इनके जो मैंने डिटेल रिव्यू दिए हैं उनके कॉमेंट्स में भी आप जाके देखोगे तो लोगों को काफी प्रॉब्लम है इन शैम्पू के साथ, उनपे भी इतना अच्छा वर्क नहीं किया है, काफी लोगों को किया है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझ पे नहीं काम किया या औरों पे नहीं किया, तो आप पे भी नहीं करेगा। आपका वेदर, खान पीन, आप जहां रह रहे हो, आपका हेयर टाइप सारा डिफरेंट होता है, तो मे बी शायद आप पे काम कर जाए। बट यस कुछ कंडीशंस ऐसी है अगर आपके बाल ड्राई एंड फ्रिजी है, हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये उस पे इतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं। सो मैं दोनों शैम्पू को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी आपको कि आपको यूज करने चाहिए। अगर आपको लिटरली एक अच्छा शैम्पू चाहिए तो मैंने बेस्ट शैम्पू करके भी एक वीडियो बनाया है, वो आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन से अच्छे शैम्पू है जो लिटरली हर्बल है और हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। सो गाइज इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो दोनों शैम्पू मुझे तो नहीं अच्छे लगे थे, मैंने इनके कंडीशनर के साथ भी इनको यूज किया था। बट यस अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर आपका हेयर टाइप एंड वेदर वगैरह सब कुछ आपके परफेक्ट है, आपके बालों में ड्राई एंड फ्रिजीनेस नहीं रहती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। सो यस गाइज ये था मेरा शॉर्ट एंड स्वीट सा कंपैरिजन विद मामाअर्थ अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू एंड मामाअर्थ अनियन शैम्पू के बीच में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ यूजफुल रही होगी कुछ बातें आप लोगों के लिए। सो यस गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।